हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स। तो क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स को जानना जरूरी है, जिसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो फिजिक्स क्लास 11 की नहीं बनेगी। आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। आज यहाँ पर शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, और पहला टॉपिक हमारा होगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन ये पहला टॉपिक हमारा है। हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपका नीट है फिजिक्स में, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन सुनते ही हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या पैरामीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये हमारा जो होता है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारा जो एक्स होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। दैट मीन्स ये वाई हमारा जो होता है एक्स पे डिपेंड करता है, और डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसके साथ में कैसे चेंज कर रहा है। अगर आप सिंपली कोई फंक्शन की बात करें, सपोज एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, एक्स हमारा जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। मतलब किसी भी एक्स के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक्स किसी रियल नंबर की बात करते हैं, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, वाई इस पे डिपेंड कर रहा है हमारा। अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा क्या होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, और y मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसीलिए आपको पता होगा टाइम एक ऐसा वेरिएबल होता है, टाइम एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने अनुसार चलती है। क्या टाइम आपके अनुसार चलती है? क्या नहीं चलती है? इसका मतलब क्या हुआ, टाइम को हम इस एक्सिस में दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में, क्योंकि टाइम हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें, इस फंक्शन में क्या होता है, इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि x हमारा क्या होता है, चेंज हो रहा है। मतलब x किसी भी, सपोज x को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो y के वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि x हमारा क्या है, x हमारा बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और ये जो फंक्शन होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब y जो हो गया इस पर डिपेंड कर रहा है, x हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह टाइम की बात करते हैं, टाइम भी हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगा होता है, आप क्या देखते हैं कि यार किसी भी टाइम में आप क्या देखते हैं, डी एस बाई डी टी हमारा क्या होता है, स्पीड होता है, अगर डिस्टेंस की बात करें हम। तो ये चीज़ फिजिक्स में आपको नीड होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो हमारा हुआ डी एस बाई डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस का चेंज होना, डिस्टेंस का चेंज होना टाइम के साथ में, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पीड, चेंज को बता रहा है। तो डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब ये हुआ, किसी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, सॉरी कोई फंक्शन चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारा नीचे लिखेंगे हम लोग dx या dt, वो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इसके रिस्पेक्ट में जो भी मेरा चेंज होगा, जो भी फंक्शन का, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस, एंड द रिजल्ट विच वी विल गेट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएशन एक तरह का प्रोसेस होता है, और जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं हम। सिंपली आप क्या देखते हैं, कोई फंक्शन आपका x में ऐसे दिया रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन टाइम के साथ में चेंज हो रहा है मेरा, ये मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो टाइम के साथ में हमारा चेंज हो रहा है। तो हमें सिंपली ये करना होता है dx by dt, dx by dt करते हैं हम लोग, तो ये वेरिएबल आ जाता है 4t। ऐसा करते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अगर होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ तो इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस हमारा हुआ तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पीड। तो हम लोग इसका नीड क्यों पड़ा, इसका नीड इसलिए पड़ा क्योंकि ये बता रहा है, चेंज को बता रहा है। चेंज मतलब कोई कोऑर्डिनेट है, ये मेरा इंडिपेंडेंट है,
मतलब अगर यहाँ किसी तरह का वैल्यू को रखें तो ये पोजीशन को बता रहा है कि इस टाइम पे इतना पोजीशन है। लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में इसका रेट को बता रहा है कि हाउ फास्ट द थिंग इज गोइंग टू बी चेंज, स्लो चेंज हो रहा है या फास्ट चेंज हो रहा है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव हमारा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स के साथ में, जी हमारा हो गया। वाई इक्वल टू एफ एक्स में क्या हुआ, वाई हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दैट मीन्स एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए वाई मेरा चेंज हो रहा है। एक्स का कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, किसी भी रियल नंबर को रखें या इमेजिनरी नंबर को रखें, तो वाई भी हमारा अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। कोई भी नंबर को रखे आप, वाई हमारा चेंज हो गया। दैट मीन्स वाई हमारा क्या हो गया, वाई हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गया, इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया मेरा, सॉरी डिपेंडेंट हो गया इस पे। ठीक है, एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट है। इसी तरह हम टाइम को ले सकते हैं, टाइम हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए हम टाइम को एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं। कभी आपने सोचा है क्या कि एक्स एक्सिस में हम लोग वाई में हम लोग टाइम को क्यों नहीं प्लॉट करते हैं? क्योंकि टाइम वाई को बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और टाइम हमारा क्या होता है, डिपेंड नहीं करता किसी चीज पे, टाइम अपने आप चलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ कुछ चीज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो फिजिक्स में आपको नीड होता है, जैसे आप स्पीडोमीटर में क्या देखते हैं, ds by dt, इसका मतलब क्या होता है, रेट को बता रहा है, डिस्टेंस किस रेट से हमारा चेंज हो रहा है। तो रेट हमारा जो बताने का है, या स्लो चेंज हो रहा है या तेजी से चेंज हो रहा है, ये हमारा डेरिवेटिव बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को जानते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें हम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है, बेसिकली ये स्लोप बताता है। स्लोप कैसे बताता है, हम यहाँ देखने वाले हैं। सपोज ये आपका कोई सिस्टम है एक्स वाई, ठीक, और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे है। ठीक है, सपोज ये मेरा पॉइंट पी है और इसका कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई है, तो हमें इस पी तक पहुंचने के लिए हमें यहां ट्रैवल करना होगा एक्स और यहां ट्रैवल करना होगा हमें वाई, तभी हम यहां पहुंच सकते हैं पी पे। ठीक है, सपोज एक पी डैश एक पॉइंट है इसी के नियर बाय में, दोनों नजदीक है, बस थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि क्लियरिटी हो आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूं ये पॉइंट यहां पे। सपोज हमने क्या बोला, अगर P और P डैश नियरली इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें यहां तक जाना है, तो हमें यहां तक जाने के लिए क्या करना होगा, स्मॉल चेंज लेना होगा, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, तभी हम यहां तक जा सकते हैं। हमने क्या बोला, ये बहुत ही बड़ा नहीं है, हमें यहां तक जाना है, तो यहां तक जाने के लिए हमें ये तो डिस्टेंस आपको पता है, बस ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, dx है, और ये आपको पता है, आपको ये पता है y है ये, और ये मेरा कितना हो जाएगा dy, ये तो y है यहां से यहां तक का, ये y है ना, और ये dy। हमने dy या dx इसलिए लिखा ताकि ये स्मॉल चेंज था, स्मॉल चेंज था, इस कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए हमें स्मॉल चेंज का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनाया, सपोज ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी एंगल हमारा क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा, सेम एंगल हमारा हुआ थीटा। तो देख रहे हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बताएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा ही हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस। ये मेरा स्लोप बताया, स्लोप। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां तक हमें जाना है तो स्मॉल चेंज करना होगा। तो डी हमारा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और वाई मेरा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। ठीक है, तभी हम यहां तक जा सकते हैं, और ये मेरा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस। ये तो मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर हमारे पास कोई कर्व है तो हमें उस पर बताना स्लोप मेरा कितना होगा। अब ये देख रहे हैं क्या, ये मेरा थीटा 90 से कम है तो ये मेरा पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल मेरा है। अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और टेन थीटा जो वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा 90 से ऊपर वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, अगर हम हमारे पास कोई कर्व है, सपोज हमारे पास ये तो है ही है, ये तो आप कर लिए। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर कोई कर्व है, सपोज ये आपके पास कोई कर्व है और हमें इस कोऑर्डिनेट तक जाना है पी तक, तो हमें यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा,
और वाई डिस्टेंस यहाँ तक हमें ट्रैवल करना होगा, तभी यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पी तक पहुँचने के लिए हमें ये डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। सपोज हमने एक पॉइंट लिया पी, पी डैश, हमने एक पी डैश पॉइंट लिया और हमें इस पॉइंट तक पहुँचना। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इसमें स्मॉल चेंज करेंगे हम लोग, किस में हमें यहाँ तक जाना है। ये दोनों नियर बाय है, पी और पी डैश हमारा क्या नियर बाय है, तो हमें स्मॉल चेंज करना होगा। एक्स में हमारे स्मॉल चेंज ये हो गया डी एक्स, और वाई में हमारा क्या हुआ स्मॉल चेंज डी वाई। ये मेरा लेंथ हमारा क्या हुआ वाई हो गया, ये वाई है तो ये वाई हो गया मेरा, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी कर्व में, किसी भी कर्व की बात करते हैं हम, अगर स्मॉल एलिमेंटल चेंज करवाते हैं तो वो ये जो लेंथ हमारा होता है स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है आपको, है कैसे दिखता है, हम उस पर टेंजेंट डालते हैं, इस पॉइंट से आप टेंजेंट डालते हैं। अब जब इसको टेंजेंट डालते हैं तो ये एक्सटेंड कर दीजिए इसको, ये थीटा हमारा अगर हो गया तो ये भी थीटा हमारा हो गया, तो टेन थीटा हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्व दिया है तो हमें उस पर टेंजेंट डाल के उसका स्लोप बताना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि स्मॉल चेंज इन वाई स्मॉल चेंज इन एक्स, और इसको क्या बोलते हैं स्लोप टेन थीटा, ठीक है। अगर सपोज ये हमारा कोई कर्व है और हमारे पास कोई पॉइंट ए है बी है और सी है, हमें बताना है कि थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टेन थीटा स्लोप हमारा क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है। सपोज ये मेरा क्या है ए डैश है, इसी तरह देख लीजिए आप लोग, ये हमारा क्या है एक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया डी एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा क्या हो गया डी वाई हो गया। हम इस पर क्या करेंगे टेंजेंट डालेंगे, इस पर टेंजेंट डाल दिया हमने, फिगर थोड़ा सा गलत हो गया, फिगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे आपको। सपोज ये आपका कोई कर्व है, ये आपका कोई कर्व है, ठीक है। हमें पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये हमारे पास है, ठीक है। ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या वाई है, हमें इसे बताना स्लोप हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पर टेंजेंट डालने वाले हैं। सपोज पॉइंट मेरा ए यहाँ पे है, ए डैश, ठीक है, बी डैश यहाँ पे है और सी डैश मेरा यहाँ पे है, ठीक है। अब इस पर टेंजेंट डाल दीजिए, जब इस पर टेंजेंट डालेंगे हम, ये मेरा थीटा हो गया ऐसे करके, ठीक है, ये थीटा हमारा हो गया, तो टेन थीटा हमारा जो होगा ये मेरा एक्स था, ये मेरा डी एक्स था, ये मेरा डी वाई हो गया, ये मेरा थीटा हो गया, टेन थीटा हमारा क्या हो गया डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है बेसिकली आपका पॉजिटिव वैल्यू के बारे में, स्लोप हमारा क्या पॉजिटिव है। अगर इसकी बात करते हैं हम, उसकी बात करते हैं, तो ये मेरा क्या है टेंजेंट डालिए इस पर, ये पैरेलल हमारा हो गया, जब पैरेलल हमारा हो गया तो स्लोप मेरा क्या होगा पहला केस था, दूसरा मेरा क्या है टेन थीटा मेरा क्या है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या होगा जीरो हो गया, स्लोप मेरा जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन हम इस पर बात करते हैं, तो इस पर हम टेंजेंट डाल देंगे, जब इस पर टेंजेंट हमने डाल दिया तो ये थीटा हम देखिए, ये थीटा देखिए आप, थीटा ये मेरा 90 से ज़्यादा है, जब थीटा मेरा 90 ज़्यादा है टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा जो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स 90 से ज़्यादा है तो वैल्यू मेरी क्या है नेगेटिव है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं स्लोप हमारा कैसा है। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग में हमने क्या देखा, हमने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप बता रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसके कुछ फार्मूला के बारे में जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और हमें क्या करना है। तो ये सब नीड आपका बेसिक नीड था, इसमें आपका कुछ ज़्यादा खास नीड नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे अगर कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, इसका मतलब क्या हुआ एन एक्स एन माइनस वन, ये हमारा होगा, ठीक है पहला। दूसरा अगर बोलेंगे हम डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स। थर्ड बोलेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू,
कांस्टेंट तो मेरा जीरो हो जाएगा। मतलब अगर किसी कांस्टेंट को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, ये मेरा आ गया। अगर डी बाई डी एक्स की बात करते हैं, कोई फंक्शन है ई के पावर एक्स, तो मेरा ई के पावर एक्स ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप इंटीग्रेशन करें डिफरेंशिएशन करें कुछ चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही होता है मेरा। ठीक है, अगर फाई बात करें डी बाई डी एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, तो मेरा क्या आएगा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करें अगर हम तो माइनस साइन एक्स। सेवन रिजल्ट अगर देखें डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू मेरा कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स। आठ देखें अगर हम डी बाई डी एक्स सेक एक्स कितना आएगा सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स अगर हम करेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा कि यार ऐसा हमारा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये सब नीड आपका होगा, जरूरी है। तो चलिए हम कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अगर एक्स के पावर टू बोलेगा हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा, मैं फंक्शन ये डी एक्स के साथ में करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेरा कोई मतलब नहीं। आपका जो पैरामीटर दिया होगा टाइम पैरामीटर भी दिया हो सकता है, आप करेंगे वो चीज़। तो मेरा क्या होगा, हमने क्या बताया एन एक्स एन माइनस वन, तो टू एक्स टू माइनस वन, एक वेरिएबल को कम कर देना आपका, तो कितना है टू एक्स। अगर दूसरा क्वेश्चन एक्स के बाद फोर बोलते हैं, तो फोर को बाहर निकाल देना है और एक्स और एक कम कर देना है। ठीक है, ऐसे हमारा करते चलना है। ठीक, ये हमारा हो गया। सपोज अगर आपके पास कोई टाइम वेरिएबल है एक्स इक्वल टू ट्वेंटी टी माइनस थर्टी टी स्क्वायर, ये आपका फिजिक्स में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, मतलब डिस्टेंस हमारा जो है टाइम के साथ में वैरी कर रहा है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या है, वेरी मेरा क्या क्या कर रहा है टाइम, जो आपका वेरी करेगा, मतलब आपके पास जो वेरिएबल होगा उसी के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो 20 माइनस 30 टी, देखिए टी का मेरा क्या हुआ वन हो जाएगा। आपको बता दूँ अगर टाइम डेरिवेटिव की बात करें हम वन है, वन टी वन माइनस वन जीरो, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, वही फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब और टी टू, टी टू हमारा कितना आ जाएगा, टी टू हमारा ट्वाइस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। टू को बाहर निकाल दिया हमने और टू माइनस वन हमारा कितना हुआ टू इंटू थर्टी टी, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू क्या टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरा x है, तो वेरी करवाइए आप y के साथ में, डिफ्रेंशिएट कीजिए आप टू डी बाई डी एक्स। चलिए एक बार आपको ईजी से करके दिखाते हैं हम, माइनस डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स फाइव। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जो मेरा कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर प्रोडक्ट में कुछ कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देना, ये मेरा नियम है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो सकता है, टू और एक्स के पावर टू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरा टू एक्स टू माइनस वन, दैट मीन्स टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा माइनस, ये कॉन्स्टेंट है, फाइव मेरा क्या है कॉन्स्टेंट है, मतलब ये मेरा वेरिएबल है और ये मेरा कॉन्स्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आपको मैं कुछ और दिखाता हूं, सपोज डी बाई डी एक्स मेरा साइन एक्स है, तो मेरा कितना आ जाएगा कॉस एक्स, ये मेरा अगर कोई फंक्शन दिया हुआ टू साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो कैसे करेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स वेरिएबल क्या है एक्स वेरिएबल, तो टू निकाल देना बाहर d
डी वाई डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस डी वाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, मेरा कॉस होता है, ठीक है। अब कॉस होने के बाद अब इसको देखिए, अब इसको आपको दिख रहा है टू। जब इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, अगर एक्स स्क्वायर, सपोज ये मेरा है क्या है, यहां देख लीजिए आप लोग, आपको दिख रहा है एक्स के पावर एन में पहले करना है हमें, एक्स के पावर एन में हमारा क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, इसमें देखिए टू कॉस टू माइनस वन ये हमारा हो गया। लेकिन लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहां पे एक्स भी वेरी कर रहा ना मेरा, ये कॉस भी तो वेरी कर रहा है मेरा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरा, साइन, दैट मीन्स इसका आ गया टू कॉस माइनस साइन एक्स, ये मेरा हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस टू कॉस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे दो बार करना होगा, पहले आप x के पावर n में करना होगा और दूसरी बात जो भी cos है जो भी sin है उसको आपको करना होगा डिफरेंशिएशन अलग से, ठीक है, ये हमारा है, ठीक। सपोज आपके पास y इक्वल टू थ्री टेन एक्स माइनस टू e के पावर x, ये है प्लस sin x, ये आपका है साइन स्क्वायर एक्स, चलिए इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें क्या करना होगा, जो वेरिएबल क्या है मेरा dx है, एक और वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए कॉन्स्टेंट ले लीजिए 5, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए 3d by dx tan x माइनस 2d by dx e के पावर x प्लस d by dx साइन स्क्वायर x प्लस d by dx 5, हमें कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन। टेन का मेरा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, थ्री सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू, इसका क्या होता है, वही होता है हमने क्या बोला, इंटीग्रेशन और या डिफ्रेंशिएशन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन स्क्वायर, तो पहले हमें करना होगा एक्स के पावर एन में, एक्स के पावर टू में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ टू साइन एक्स, ये मेरा हो गया, दोबारा से हमें करना है साइन का, दैट मीन्स कॉस एक्स, ये हो गया, और ये मेरा कॉन्स्टेंट है, मेरा जीरो हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, चलिए एक पैरामीटर लेते हैं, सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्टेंस है, और थ्री साइन टी प्लस फोर कॉस स्क्वायर टी प्लस ई के पावर टी, अगर ऐसा हमारा है तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, यहाँ वेरी मेरा कर रहा है टाइम, तो हमें कर दिए टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएशन, थ्री डी बाई डी टी साइन टी, ठीक है, प्लस फोर डी बाई डी टी कॉस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी और ई के पावर टी, ये हमारा हो गया। अब देखिए साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस टी, जो दिया होगा उसी में करना है, साइन टी का मतलब क्या होता है, कॉस होता है, और टाइम दिया हुआ तो टाइम कॉस टी प्लस फोर, अब हमने क्या बोला कॉस स्क्वायर टी है मेरा, तो कॉस को क्या बोलते हैं, पहले हम लोग कॉस एक्स के पावर एन में करना होगा, दैट मीन्स टू कॉस टी इंटू कॉस का कितना होगा माइनस साइन, हमें ये करना होगा टू कॉस टी माइनस साइन टी, ये मेरा हो गया प्लस ई के पावर टी, ये तो हमारा सेम होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल दिखाता हूँ, ये हमारा हो गया। अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करें, प्रोडक्ट रूल की हम बात करें, दैट मीन्स y इक्वल टू मेरा क्या है e के पावर x है साइन x है, ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है हमारा, एक को लेना होता है एक को छोड़ना होता है। सपोज अगर dy बाई डी एक्स की बात करते हैं हम, तो एक को ले लीजिए आप dy बाई डी एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन एक्स को आप छोड़ दीजिए और dx का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, क्या आपको फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है क्या, कोई फंक्शन, सपोज कोई फंक्शन हमारा है, तो dy बाई डी एक्स हमारा जो होगा f f dz बाई डी एक्स प्लस g df बाई डी एक्स, ऐसा आपको फॉर्म में दिखेगा, मतलब एक को लेना एक को छोड़ना है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन मेरा f f g में है, तो
ठीक है, ऐसा हमारा, तो ये हमारा हो गया। अब देख लीजिए e के पावर x साइन का कितना होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, वही हो जाएगा मेरा, ये हमारा हो गया। और देखिए आप लोग, अगर y इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टेन एक्स प्लस फाइव, ये हमारा इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब सिंपली मैं करते जाता हूँ, देखिए हमने क्या बोला, पहले इसको लेना है या किसी को भी ले सकते हैं, चलिए इसको छोड़ दिया हमने, इसको ले लीजिए, तो कितना आएगा टू साइन एक्स, अब साइन का फिर होगा कॉस, ये तो हो गया मेरा, प्लस इसका ले लीजिए आप ई के पावर एक्स ही होता है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, इतना ही हो मेरा हो गया, ठीक है। प्लस अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो एक्स के पावर टू में मेरा क्या होता है, फोर एक्स प्लस थ्री सेक स्क्वायर एक्स प्लस जीरो, ये हमारा हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अगर हम डिवीजन रूल की बात करते हैं, डिवीजन रूल मतलब अगर डी बाई डी एक्स यू बाई वी के टर्म में है तो ये मेरा हो जाएगा वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। सपोज आपका कोई फंक्शन है, सपोज साइन एक्स के पावर बाई ई एक्स, ऐसा वो करना है डिफरेंशिएशन, तो इसमें क्या हमने बताया, इसमें हमने बताया ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई के पावर यहाँ आएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स का, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा मेरा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इसका ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स बाई ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, तो आपका इतना ही नीड है, ठीक है। कुछ कुछ और देख लेते हैं पैरामीटर हम लोग। सपोज वाई वाई इक्वल टू फंक्शन आपका दिया हुआ है टेन एक्स बाय ई के पावर एक्स साइन एक्स, अगर ऐसा है कोई फंक्शन, कोई फंक्शन ले सकते हैं आप, टेन एक्स और ई के पावर एक्स, क्या होगा इसका बताइए हमारा। चलिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर ले लिया आपने प्रोडक्ट रूल, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, डिवीजन में भी कर सकते हैं आप। डिवीजन का मतलब क्या होता है, इसको एक्स के पावर माइनस टू ऊपर ले जाइए, आपका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। और डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग एक्स के पावर फोर, इसको लेंगे एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स और टेन एक्स, ये मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया, अगर कुछ नीड होगा तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा और, लेकिन ये हमारा क्या इतना ही इंपॉर्टेंट आपका है, इतना ही आपको जानना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन हमारा होता क्या है, ठीक है। थैंक यू।